हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक दो बच्चे कमेंट किए थे कि ब्रांचेज ऑफ साइंस नहीं मिल रही है, तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी साइंस में हम आपको ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में बता दे रहे हैं। कुछ ब्रांचेज नोट की गई हैं, ये क्लास नाइन्थ के बच्चों को और इलेवेंथ के बच्चों दोनों लोगों को ये काम करेगी वीडियो। तो चलिए चलते हैं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है। ब्रांचेज ऑफ साइंस में सबसे पहले फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान एंड बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो यहाँ आपको ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी, आकार की, आकार के बारे में अध्ययन कराती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों के आकार के बारे में अध्ययन कराया जाता है। दूसरा है एनाटॉमी, एनाटॉमी ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के आंतरिक संरचनाओं के बारे में, जैसे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के लिए उसके पैनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, प्लांट है तो स्टेम लीफ जो भी है, रूट है, उसके सेक्शन टीएस, एलएस, वीएस, अनुप्रस्थ काट, अंदर काट, अनुलंब काट के द्वारा स्लाइड प्रिपरेशन से जो सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के द्वारा आंतरिक संरचनाएं दिखाई देती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बॉडी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये औतकी है, औतकी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, सभी प्रकार के उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोश का विज्ञान ये भी है, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल्स, एनिमल सेल हो और प्लांट सेल हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी, कोश का विज्ञान। इसी के साथ आप कैरियोलॉजी जानते ही हैं, केंद्र की स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, सभी प्रकार के केंद्रकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी जंतुओं के शरीर के आंतरिक अंगों और उनकी कार्य की क्रियाविधि, फंक्शनिंग के बारे में अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एनिमल के क्लासिफिकेशन, उसको पहचान के आधार पर, टैक्सिस माने नामिया, ऑर्डर माने डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस और नामिया, टैक्सिस मीन्स ऑर्डर और नामिया मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर मीन्स गण और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा, गणों में बांटना अर्थात वर्गीकरण। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनिमल इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इथोलॉजी, इथोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, बिहेवियर जंतुओं के व्यवहार के बारे में, बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन्हों ने इथोलॉजी। वायरोलॉजी सब लोग जानते हैं, वायरोलॉजी वायरस विषाणु विज्ञान है, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वायरसेज। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी कहते हैं एंजियोग्राफी कराया गया, एंजियोलॉजी क्या है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन अवर बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन इन एनिमल्स जंतुओं के शरीर में रक्त परिसंचरण की का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी के अंतर्गत। कार्डियोलॉजी,
कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हुई डीलिंग द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। और इसके जो विज्ञ होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी देखिए तमाम समस्याएं तंत्र की प्रभाव विकार को डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना है। तो तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी के अंतर्गत बच्चों स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो भ्रूण जानते हैं कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जायगोट युग्म और उससे भ्रूण बनता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हुई डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्ब्रियोज, सभी प्रकार के भ्रूणों का अध्ययन कराने वाली भी एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण की कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूण की। पैरासाइटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी परजीवी विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पैरासाइट्स परजीवों का अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी डीलिंग दी स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ पैरासाइट्स, सभी प्रकार के परजीवी जीव जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन यूनिट ऑफ किडनी है, ब्रिक की इकाई नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हुई डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ किडनी, सभी प्रकार के किडनियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किडनी जानते हैं मेन सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। और इनके बारे में अध्ययन का कार्य जो है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी और सार्कोलॉजी, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी दो ब्रांचेज हैं। स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा को मायोलॉजी और सार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आता आर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान बच्चों, आर्निथोलॉजी इसको कहते हैं पक्षी विज्ञान। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डीलिंग स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स, सभी प्रकार के पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको आर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी रोग विज्ञान, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिजीजेज, सभी प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी डीलिंग स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिजीजेज, सभी प्रकार के रोग व्याधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, को पैथोलॉजी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल पैथोलॉजी। केवल जंतुओं के रोगों के बारे में अध्ययन तो एनिमल पैथोलॉजी, और केवल पौधों के रोगों के बारे में अध्ययन तो प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी कहते हैं गायनेकोलॉजी, गायनो, तो इसके अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, मादा जनन तंत्र तथा प्रजनन की के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड द रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टडी बाय इन दिस टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मादा जनन तंत्र तथा प्रजनन की विधियों का अध्ययन किया जाता है। एपिकल्चर स्टडी ऑफ हनी बी, मधुमक्खी पालन, इसके अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है और किस तरह से उसकी हस्बेंड्री की जाती है। पीसी कल्चर मत्स्य विज्ञान, इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज
विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके पालने की विधियों के बारे में। सेरिकल्चर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग दी स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिल्क वार्म सेक्ट, सभी प्रकार के रेशम कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसको सेरिकल्चर। तो याद रखिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, और एक ओलरी कल्चर होता है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल सब्जियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अगला है फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फार्मासिस्ट कहते हैं, फार्मेकोलॉजी औषधि विज्ञान, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मेडिसिन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन मैकेनिज्म, सभी प्रकार की औषधियों की क्रियाविधि, फंक्शनिंग के बारे में, क्रियाविधि के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा फार्मेकोलॉजी औषध विज्ञान के नाम से जानी जाती है। माइक्रोबायोलॉजी जानते ही हैं, सूक्ष्म जैव की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा सूक्ष्म जैविकी। अब यहाँ सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, तो दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट सी अवर नेकेड आई नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव। तो दिखाई कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जब उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो दिखाई देते हैं, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोपिक एनिमल सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, बगैर सूक्ष्मदर्शी के वो देखे नहीं जा सकते, और उनका अध्ययन सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। मेलकोलॉजी, मेलकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्क का संघ के अंदर पाए जाने वाले जीवों, जैसे यूनियो है, पाइला ग्लोबोसा, घोगा है, ठीक है ना, इनका अध्ययन, मोलस्कों का अध्ययन करने वाली शाखा मेलकोलॉजी कहलाती है, याद रखिए मोलस्क का विज्ञान मेलकोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी क्या कहलाता है बच्चों, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सरीसृपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सरीसृप क्या है, रेप्टाइल्स क्रीपर एनिमल है, नाइन्थ में पढ़ा जाएगा आगे कार्डेट, कार्डेटा संघ का जो है उभयचर, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप तीसरा वर्ग आता है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ बोन्स, सभी प्रकार के अस्थियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको अस्थि विज्ञान। और कार्डियोलॉजी, कार्टिलेज स्टडी ऑफ कार्टिलेज, अस्थि उपास्थियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस तरह से बच्चों आज हम लोग कुछ मेन ब्रांचेज, मेन ब्रांचेज आपको मालूम है बायोलॉजी की, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी तीन ही है, ये अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस बायोलॉजी में आती हैं। जूलॉजी ओनली स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी ओनली स्टडी ऑफ प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस, एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, और बेसिक चीज है, एक बच्चे के कमेंट पर हमने इस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को पुनः एक वीडियो में दे दे रहे हैं, और ये नाइन्थ में जो गए हैं और टेंथ इलेवेंथ सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक यू।